हेलो एवरीवन, एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है। सो गाइज, आज के इस वीडियो में हम लोग बात करेंगे आप लोगों को जो प्रॉब्लम आ रही है एग्जाम सिटी को लेके एंड जो एग्जाम का डेट है उसको लेके, उस पर हम लोग इस वीडियो में बात करेंगे। बट उससे पहले मैं उन स्टूडेंट को बताना चाहूंगा जिन्होंने अभी अभी तक अपना जो एग्जाम सिटी है वो नहीं देखा है, तो वो लोग एग्जाम सिटी को कैसे यहाँ पे देखेंगे उसके बारे में पहले मैं स्टार्टिंग में बता देता हूँ और फिर लास्ट में आप लोगों के लिए बात करूंगा। तो गाइज, अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब करिए और वीडियो को भी लाइक कर दीजिए। देखिए, आपको करना क्या है, सबसे पहले एनटीए का जो वेबसाइट है cuet.nta.nic.in, इस पर विजिट करना है। और विजिट करने के बाद आपको यहाँ पे देखिए एडवांस एग्जाम सिटी का जो ऑप्शन दिख रहा है, सिंपली आपको इस पर क्लिक कर देना है। जैसे ही क्लिक करेंगे तो एक नई विंडो जो है वो आपके सामने ओपन हो जाएगी। तो यहाँ पे आपको करना क्या है, यहाँ पे आपको अपना एप्लीकेशन नंबर यूज़ करना है और आपका जो डेट ऑफ बर्थ है वो यूज़ करना है। और यहाँ पे ये जो सिक्योरिटी कैप्चा दिया गया है इसको फिल करना, और फिल करने के बाद इसको सबमिट कर देना है। जैसे ही आप इस चीज़ को सबमिट करेंगे तो सबमिट करने के बाद आपके पास जो आपका सिटी वाला जो स्लिप है वो आ जाएगा। अब देखिए, ये आपका ओरिजिनल एडमिट कार्ड नहीं है, इस पे टॉप पे लिखा हुआ है कि ये आपका एडमिट कार्ड नहीं है, केवल इसमें आपको ये बताया जा रहा है कि आपका जो एग्ज़ाम है वो किस सिटी में होने वाला है और किस डेट को होगा। ये दो ही चीज़ उसमें मेन है, ये दो चीज़ आपको यहाँ पर क्लियर हो जानी चाहिए, ठीक है। तो अब ये तो बात रही उन स्टूडेंट के लिए जिन्होंने अभी तक नहीं देखा है। हालांकि मैंने जैसे ही ये नाइट में अपडेट आया था वीडियो बना के सबसे पहले आपको इन्फॉर्म करा था गाइज, लेकिन जिन लोगों ने नहीं देखा है वो लोग अब यहाँ पे अच्छे से समझ सकते हैं। इस तरीके से आपको यहाँ पे अपना जो एग्जाम सिटी है वो देखना है। अब हम लोग बात करते हैं उन स्टूडेंट के लिए जिनको यहाँ पे प्रॉब्लम आ रहा है, जिनका एग्जाम का डेट जो है वो यहाँ पे चेंज दिख रहा है, क्योंकि एनटीए ने शेड्यूल ऑलरेडी जारी करा था कि किस कोड का किस शिफ्ट में और किस दिन यहाँ पे एग्जाम होना है। ये सारी चीजें एनटीए ने पहले ही क्लियर अपने को कर दी थी, लेकिन अब जो एग्जाम सिटी वाली स्लिप है उसमें कुछ गड़बड़ दिख रही है, जैसा कि स्टूडेंट ने मुझे बताया, उसी के बेस पे मैं आपको बता रहा हूँ गाइस, ठीक है। तो देखिए, सबसे पहले हम लोग चलते हैं एनटीए का जो वेबसाइट है, ठीक है। ये देखिए एनटीए का वेबसाइट है, और जब तक मैं वीडियो बना रहा हूँ तब तक मुझे यहाँ पर कोई भी ऐसा नोटिस नहीं दिख रहा है जिसमें कि ये चीज़ क्लियर कर दी जाए। मैं भी यहाँ पे वेट ही कर रहा था कि नोटिफिकेशन आ जाए तो मैं आपको क्लियर यहाँ पे चीज़ों को समझा सकूँ, बट अभी यहाँ पे नोटिस नहीं आया इस चीज़ को लेकर कि आपका जो एग्ज़ाम का डेट है वो हमने यहाँ पे कुछ चेंज कर दिया। और ये जो वेबसाइट है इस पर भी अगर हम लोग देखेंगे गाइस, तो यहाँ पर भी अपने को फिलहाल के लिए कोई जो नोटिस है वो नहीं दिख रहा है। मैं देख लेता हूँ यहाँ पे, ठीक है। ये देखिए 21 अगस्त का ही लास्ट नोटिफिकेशन है, यहाँ पे भी कोई नोटिस अपने को नहीं दिख रहा है। तो क्या अब आपका जो एग्जाम का डेट है, जैसे कि मैं एक कैंडिडेट का यहाँ पे बताता हूँ आपको गाइस, ठीक है। ये देखिए, ये एक स्टूडेंट है जिसका कोड है आपका ये 20 नंबर कोड है, और इसका एग्जाम का डेट 12 सितंबर यहाँ पे शो कर रहा है। देखिए डेट ऑफ एग्जामिनेशन 12 सितंबर, ठीक है। अब यहाँ पे ये जो है फिलहाल ओरिजिनल एडमिट कार्ड तो गाइज नहीं है, और अब ये जो डेट यहाँ पे इन लोगों ने चेंज करी है, जैसा कि आपको पता है कि एग्जाम का जो डेट यहाँ पे एनटीए ने दिया था वो केवल 11 सितंबर ही यहाँ पर था कि 11 सितंबर तक आपके एग्जाम चलने वाले, बट यहाँ पे अभी 12 सितंबर जो है शो कर रहा है। तो क्या ये एक्चुअल में आपका चेंज कर दिया गया है, ये नहीं है, ये कोई टेक्निकल ग्लिच है गाइज, इस पर अभी मैं श्योरिटी नहीं दे सकता अपनी तरफ से, क्योंकि एनटीए ने अभी कोई नोटिस यहाँ पे रिलीज नहीं करा है जैसा कि हम लोग वेबसाइट पे चेक कर पा रहे। तो आपको यहाँ पर क्या करना है, इसके लिए क्या सोल्यूशन है, आप एनटीए को जो है ट्वीट करिए। मैंने मॉर्निंग में इसके रिगार्डिंग एनटीए को पहले ही ट्वीट कर दिया है, आप चाहे तो उसको रीट्वीट कर सकते हैं, या फिर खुद से आपका जो एडमिट कार्ड आपका जो ये सिटी वाला जो स्लिप है उसका आप स्क्रीनशॉट लेके एनटीए को ट्वीट कर सकते हो, ठीक है। और बाकी कितने ऐसे स्टूडेंट हैं जिनके ये प्रॉब्लम आ रही है, दूसरा प्रॉब्लम और है गाइज, मैं बात कर लेता हूँ कि जिन स्टूडेंट ने यहाँ पे जितना सिटी दिया था, जो चार यहाँ पे स्टेट का जो उन्होंने मांगा था सेंटर के लिए, अगर आपका उन चार में से अलग आया है तो आप एक बार एनटीए को मेल कर सकते हो या फिर ट्वीट कर सकते हो, अगर आपको ऐसा प्रॉब्लम आया है तो। अब गाइज, मैं आप सबसे एक रिक्वेस्ट करूंगा कि प्लीज़ आप इस वीडियो के कमेंट बॉक्स में ज़रूर कमेंट करिएगा आप लोगों को क्या क्या प्रॉब्लम यहाँ पे आ रही है, किन किन स्टूडेंट का यहाँ पे जो एग्ज़ाम का डेट है वो आगे पीछे शो कर रहा है। फिलहाल जितने स्टूडेंट ने मुझे मैसेज करा था, तो मैं बता दूं कि जिनका कोड यहाँ पे 38 वाला है उनके यहाँ पे एग्जाम का डेट 12 सितंबर दिखा रहा है, और एक जो स्टूडेंट था जिसका मैंने भी आपको बताया उसका जो कोड है 20 नंबर वाला, उसका यहाँ पे 12 सितंबर बता रहा है। तो आपका भी अगर ऐसा कोई प्रॉब्लम है तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करिए, तभी मुझे यहाँ पे पता चल पाएगा। बाकी आप लोग जो है एनटीए को ट्वीट कर सकते हो, और अगर नोटिफिकेशन एनटीए निकाल देगा तो सारी चीज़ें और क्लियर हो जाएगी। तब तक के लिए आपको पैनिक बिल्कुल भी क्रिएट नहीं करना है, मेरा ये वीडियो बनाने का बस इतना ही उद्देश्य है कि आप पैनिक क्रिएट नहीं करें, अपनी जो स्टडी है उसको अच्छे से करें, क्योंकि अभी एडमिट कार्ड तो आया नहीं है,
नोटिस एनटीए निकालेगा, क्योंकि जिनका एग्जाम 1 सितंबर को है उनका एडमिट कार्ड भी रिलीज करना है, तो उसके लिए लिए भी जो है यहाँ पे एनटीए नोटिस निकालेगा, और मे भी उस नोटिस में ये चीज़ भी क्लियर हो जाए। तो जैसे ही नोटिस आएगा मैं आपको वीडियो बना के इन्फॉर्म करूंगा। बस इसके लिए करना कुछ नहीं है, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और वीडियो को भी लाइक कर दीजिए। ओके सो गाइज, इस वीडियो में इतना ही। वीडियो देखने के लिए आप सभी का शुक्रिया।